क्रिप्टो समाचार में आपका स्वागत है। तो चलिए जानते हैं आज की खास खबरें फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ क्रिप्टो। माइमी के मेयर फ्रांसिस सुआरेज ने अपने इंटरव्यू विद फोर्ब्स में कहा कि उनका प्लान है बिटकॉइन का यूसेज बढ़ाने का, एंड उसी का हिस्सा सिटी एम्प्लॉयज की सैलरी को बिटकॉइन में पे करना भी है। इस मूव को ट्विटर और स्क्वायर के सीईओ जैक डॉर्सी ने अप्रिशिएट किया स्मार्ट कहके, और जेमिनी के को-फाउंडर टाइलर विंकलेवॉस ने कहा कि द मेयर इज लीडिंग द वे फॉर गवर्नमेंट्स एंड बिटकॉइन। मेयर सुआरेज ने अपने इंटरव्यू में ये भी कहा कि क्रिप्टो की पॉपुलैरिटी जैसे जैसे बढ़ती जा रही है, ही वॉन्ट्स टू डू एवरीथिंग टू मेक मायमी अ बिटकॉइन फ्रेंडली सिटी। उनके प्रपोजल ऑल्सो इंक्लूड लोकल फीस और टैक्सेस टू बी पेड इन बिटकॉइन एंड अदर क्रिप्टो करेंसीज, और तो और सिटी की ट्रेजरी को बिटकॉइन में इन्वेस्ट करना फॉलोइंग माइक्रो स्ट्रेटजीज एग्जाम्पल। मेयर सुआरेज काफी वोकल रहे हैं बिटकॉइन के सपोर्ट में, विद लास्ट वीक पब्लिशिंग बिटकॉइन का व्हाइट पेपर ऑन टू गवर्नमेंट्स ऑफिशियल वेबसाइट, जिसके बारे में हमने बात भी की है यहाँ पे। लीडिंग ग्लोबल बिजनेस इंटेलिजेंस फर्म माइक्रोस्ट्रेटजी एक ऑनलाइन सेमिनार होस्ट कर रही है टू एक्सप्लेन लीगल कंसिडरेशंस उन फर्म्स के लिए जो इंटरेस्टेड हैं बिटकॉइन को अपने बिजनेस में इंटीग्रेट करने में या फिर रिजर्व्स में रखने के लिए। माइकल सेलर, सीईओ ऑफ माइक्रोस्ट्रेटजी ने अपने ट्वीट में कहा कि ऑलरेडी मोर देन 1400 फर्म्स हैव साइंड अप एंड स्टिल मोर कैन ज्वाइन। ये सेमिनार 3rd और 4th February को होगा। अगस्त 2020 से अभी तक में माइक्रोस्ट्रेटजी ने अराउंड $1.095 बिलियन स्पेंड किए हैं टू अक्यूमुलेट इट्स बीटीसी होल्डिंग्स, जिसकी वैल्यू गेस करो अभी तक कितनी हो गई है, $2.57 बिलियन हो गई है विद अ गेन ऑफ 135%। क्या लगता है आपको, माइक्रोस्ट्रेटजी के इस सेमिनार से और इंस्टीट्यूशन अट्रैक्ट होंगे टू इन्वेस्ट इन बिटकॉइन? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। वर्ल्ड की सेकेंड बिगेस्ट क्रिप्टो करेंसी यानी ईथर ने अपना ऑल टाइम हाई ऑफ $1,560 अचीव किया आज सुबह। इथेरियम अब 100% अप है सिंस द स्टार्ट ऑफ 2021। इससे इथेरियम का मार्केट कैप अब मोर देन $178 बिलियन है, मेकिंग इट मोर वैल्यूएबल देन द लीडिंग फाइनेंस फर्म सिटी ग्रुप। इस प्राइस रैली के पीछे ईथर के वेज का सिग्निफिकेंट रोल माना जा रहा है। इनफैक्ट ग्रेस्केल, जो कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी क्रिप्टो एसेट मैनेजर है, उसने रिसेंटली अनाउंस किया रीओपनिंग ऑफ इट्स इथेरियम ट्रस्ट। Bybit.com के डेटा के मुताबिक ग्रेस्केल ने 24,796 इथेरियम वर्थ $38 मिलियन बाय किए पिछले 24 घंटों में। इथेरियम के प्राइस राइज की वजह से डिफाई टोकन सच एज चेनलिंक, यूनिस्वैप एंड आवे ने भी काफी गेंस किए दिस ईयर ड्यू टू हाई डिमांड। इसी के साथ में अब ओवरऑल क्रिप्टो करेंसीज की मार्केट कैप $1.1 ट्रिलियन तक पहुंच गई है, जो कि हाईएस्ट लेवल है इन वीक्स। पिछली बार इथेरियम 19 जनवरी को $1,437 तक पहुंच गया था एंड फिर एक दिन में ही 8% ड्रॉप हो गया था टू $1,265। क्या लगता है आपको, इस बार की रैली सस्टेन करेगी या पिछली बार की तरह फिर हो जाएगा ड्रॉप? लेट अस नो योर थॉट्स इन द कमेंट्स। लाइकिंग द न्यूज, डोंट फॉरगेट टू सपोर्ट अस बाय हिटिंग द लाइक बटन, और अगर आप न्यू व्यूअर है तो डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड ऑफ डेली क्रिप्टो न्यूज। हफ्ते में 2 ट्रेड एनालिसिस, इंटरव्यूज, ट्यूटोरियल्स, रिव्यूज एंड मच मच मोर ओनली ऑन कॉइन क्रंच इंडिया। लूना, जो कि नेटिव कॉइन है टेरा ब्लॉकचेन का, हैज इंक्रीज बाय 37% टू $2.46, शोइंग हैवी ट्रेडिंग वॉल्यूम। ये अब ट्रेंड लूना में मिड नवंबर से देखने को मिल रहा है। पिछले एक वीक में लूना 100% बढ़ चुका है जब से न्यूज आई है कि माइक नोवोग्रात्स्की गैलेक्सी डिजिटल ने $25 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की है टेराफॉर्म्स में, जो कि सोल बेस्ड कंपनी है विच मैनेजेस टेरा की डेवलपमेंट। टेरा एक एम्बिशियस स्टेबल कॉइन प्रोजेक्ट है फ्रॉम कोरिया, जो कि फिएट करेंसी की स्टेबिलिटी को कंबाइन करता है विद नॉन सेंसरेबल नेचर ऑफ क्रिप्टो करेंसी। चाय, जो कि टेरा बेस्ड मोबाइल पेमेंट डी ऐप है, वो भी बहुत पॉपुलर होता जा रहा है। ये फिएट पेमेंट की प्रोसेसिंग फीस को कम करता है और इंस्टेंट सेटलमेंट्स भी देता है विद न्यूमरस कोरियन मर्चेंट्स। वर यू एबल टू कैश लूनास रैली? लेट अस नो इन द कमेंट्स। डेवलपर्स बिल्डिंग ऑन स्टेलर ब्लॉकचेन अब डॉलर बैक्ड यूएसडीसी स्टेबल कॉइन का यूज कर सकते हैं। इस अनाउंसमेंट के बाद से स्टेलर चौथी ऐसी ब्लॉकचेन है जो इस स्टेबल कॉइन को सपोर्ट करती है आफ्टर इथेरियम, एल्गोरैंड एंड सोलाना। स्टेलर अलाउ करता है क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस विद सेटलमेंट टाइम्स विद इन 5 सेकेंड्स। ऐसे ही स्टेलर फैसिलिटेट करेगा फास्ट यूएसडीसी ट्रांसफर्स विद नेग्लिजिबल फीस एज कम्पेयर टू इथेरियम, जिसकी गैस फीस काफी हाई है। यूएसडीसी वर्ल्ड की सेकेंड लार्जेस्ट स्टेबल कॉइन है आफ्टर यूएसडीटी एंड वॉज लॉन्च इन 2018 बाई सेंटर, जो कि सर्कल और कॉइन बेस की पार्टनरशिप कंपनी है। करेंटली $6 बिलियन के यूएसडीसी टोकन सर्कुलेशन में है। विच इज योर फेवरेट स्टेबल कॉइन्स? Let us know in the comments.
I hope you liked the video and learned something new today. If you did, do like and share the video. Do let me know in the comments agar maine aaj ki koi important news miss kar di which can be discussed in the next episode. Don't forget to check out our Twitter and Telegram links mentioned in the description below. Till then, this is me, #NG saying, Alvida. Jai Blockchain.